गाजियाबाद के पुराने रेलवे स्टेशन के पास शालीमार एक्सप्रेस ड्रिल हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची टीमों ने राहत और बचाव का कार्य शुरू किया। इस दौरान बोगी को काट उसमें फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। इस मौके पर एनडीआरएफ, रेलवे पुलिस, सिविल पुलिस, फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस की टीम मौजूद रही। सर, एक ट्रेन हादसा हुआ है रेलवे स्टेशन गाजियाबाद के पास में, क्या था पूरा होना, किस प्रकार से ये मॉक ड्रिल की गई? ये मॉक ड्रिल जो कि रेलवे, एनडीआरएफ, सिविल पुलिस, सिविल डिफेंस, इनके सभी को सहयोग से ये एक मॉक ड्रिल करवाई गई, जिससे कि कभी कोई ऐसा हादसा होता है तो अलग अलग एजेंसी कैसे समन्वय दिखा के राहत और बचाव कार्य करेगी। तो यहाँ पर एक जो दृश्य हमने बनाया था, ये शालीमार ट्रेन का एक डिब्बा रेल हो गया था और टीमों को यहाँ पर बुलाया गया। इनिशियली जो लोकल रिस्पॉन्डर थे, जो रेलवे के अपने रिसोर्सेज थे, उन्होंने पहले यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने राहत और बचाव कार्य आरंभ किया। उसके बाद एनडीआरएफ को बुलाया गया, एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे आई, उसने दो अप्रोच बनाई, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ऊपर से विक्टिमों को निकाला और जो साइड से उसे कटिंग करके विक्टिमों को निकाला। जिस टाइम में यह हादसा हुआ था, कितनी देर में यहाँ एनडीआरएफ की टीमें आई और किस प्रकार से रेस्क्यू? देखिए, ये एक मॉक ड्रिल थी, तो मॉक ड्रिल और एक्चुअल हालात में थोड़ा सा अंतर होता है। तो जो गाजियाबाद में हमारी एक बटालियन है, वहाँ से यहाँ तकरीबन आने में अगर आप एक्चुअल ग्राउंड को देखें, करीब 20 से 25 मिनट का समय लगता है। देखिए, एक मॉक ड्रिल थी, यहाँ पे हमने एक स्टेजिंग एरिया बनाया हुआ था जहाँ से की टीमों को रिस्पॉन्ड करना था, उस हिसाब से अभी तो 5 मिनट में टीमें यहाँ पर पहुँच गई। ये रेस्क्यू कितनी देर तक चला, थोड़ा सा? ये रेस्क्यू करीब आधा घंटे से 45 मिनट तक चला, क्योंकि बोगियों को काटना होता है, अंदर विक्टिम भी होते हैं, उनको भी आपको देखना पड़ता है कि कोई विक्टिम को कोई नुकसान ना पहुंचे, और जो हमारे जो रेस्क्यूअर हैं उनकी भी सुरक्षा को देखते हुए काम करना पड़ता है। ये मॉक ड्रिल थी, इसका उद्देश्य ये नहीं था चेक करना नहीं था कि कौन कितनी जल्दी काम करता है, बल्कि इसका उद्देश्य ये था कि हर एजेंसी आपस में समन्वय दिखा के कैसे कार्य करती है।